अरे मोदी जी ने कितनी बार हमको बता दिया कि लॉकडाउन हो गया है, तरावी घर पे ही पढ़ना, कितनी बार बताओगे तुम? रिपीट पर रिपीट, रिपीट पर रिपीट, सर फोड़ ले अपना। एक तो तरावी के ऐसे ही सवाब नहीं मिला, तुम बता रहे हो हमने आटी पढ़े हैं। Hey fam, what's up? कैसे हो आप सब? I hope आप लोग अपने घर पे और बिल्कुल सेफ हो। फैम, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन में घर बैठे तरावी की नमाज कैसे पढ़े। तरावी सुन्नत मौकीदा है जो सिर्फ और सिर्फ रमजान के महीने में होती है। ईशा की नमाज के बाद सहर से पहले तक कभी भी आप पढ़ सकते हो, जिसकी तादाद 20 रकात है और 20 ही सुन्नत है। आठ, दस, सोलह, ये सब पढ़ने से सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि 20 पूरी पढ़ेंगे तो सुन्नत का सवाब। जो शख्स 20 रकात नमाज पढ़ता है जिस मस्जिद में पढ़ जाती, तो क्या 8 रकात पढ़ के उन्हें हट सकता है, या जरूरी है कि उन्हें 20 रकात पढ़ना? मैंने एक सवाल किया, अगर किसी मस्जिद में तरावी की रकातें 20 हो रही तो क्या ऐसी मस्जिद में कोई शख्स 8 रकात पढ़कर निकल सकता है? तो देखिए, कोई भी इबादत जो फ़र्ज से हटकर हो, इंसान को इख्तियार है जितना चाहे करे और जब चाहे निकल जाए। तो लिहाजा वो 2 पढ़कर भी निकल सकता है, 4 पढ़कर भी निकल सकता है, 6 पढ़कर भी निकल सकता है, 8 पढ़कर भी निकल सकता है, 10 पढ़कर भी निकल सकता है। पूरी 20 होने के बाद आपके साथ वितर ना पढ़ के अपनी नमाज़ें और भी पढ़ सकता है, उसको शरीयत ने पूरा इख्तियार दिया है। तरावी लेडीज जेंट्स हर अडल्ट मुसलमान पर सुन्नत मौकीदा है, यानी बिला वजह छोड़ेंगे तो गुनहगार में नाम शामिल है। चूंकि तरावी ये फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं, सुन्नत है, तो अगर मैं तरावी पढ़ ही नहीं सकता हूँ या सिर्फ 10 दिन पढ़ सकता हूँ तो क्या करूँ? और पूरा कुरान भी खत्म करना चाहता हूँ तो? हाँ, अगर कोई शख्स पूरी नहीं पढ़ सकता और 10 दिन पढ़ना चाहता है, ये गलत फहमी यहाँ दूर करता हूँ। बहुत से लोग ये समझते हैं जिसने तरावी नहीं पढ़ी उसका रोज़ा भी नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं। तरावी एक अलग इबादत, रोज़ा एक अलग इबादत, और तरावी वैसे भी छोड़ने से तरावी कोई इंसान गुनहगार नहीं होता। क्यों? इसलिए कि तरावी ये फ़र्ज़ और वाजिब नहीं, ये सुन्नत है, सुन्नत मौकीदा आप कहिए, आप हमेशा पढ़ते थे, लेकिन ये वाजिब नहीं, इसके छोड़ने से गुनहगार नहीं होता इंसान, लेकिन पढ़ने से सवाब का मुस्तहिक होता। कितने बड़े सवाब हो, फिर अल्लाह पूरे पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ठीक है, तो अब फैजू बताएंगे कि आप घर बैठे कैसे तरावी की फजीलत पढ़ सकते हैं। फजीलत पढ़ सकते हैं, सुने जाओ पूरी बात, फजीलत पढ़ सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे घर बैठे हम तरावी की फजीलत पढ़ सकते हैं। मेथड फॉर लेडीज एंड जेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं लॉकडाउन में हम सबको तरावी घर पर ही पढ़ना है। अरे मोदी जी ने कितनी बार हमको बता दिया कि लॉकडाउन हो गया है, तरावी घर पे ही पढ़ना, कितनी बार बताओगे तुम? रिपीट पर रिपीट, रिपीट पर रिपीट, सर फोड़ ले अपना। एक तो तरावी के ऐसे ही सवाब नहीं मिला, तुम बता रहे हो हमने आटी पढ़े हैं। लेडीज जेंट्स दोनों को नियत करने का तरीका है, नियत की 2 रकात तरावी सुन्नत मौकीदा वास्ते अल्लाह ताला मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। नियत भी नहीं की मैंने, मैंने जबान से एक भी नियत नहीं की। और अब क्या होगा, नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ। भाई नियत दिल का इरादा है, नियत का, भाई हंसी आ रही मेरे को तुम्हारे ऊपर। भाई तुम नाचने गाने वाले टिकटॉक स्टार हो, तुम दुबई जाओ व्लॉग बनाओ, लंदन जाओ वहाँ व्लॉग बनाओ, जन्नत जाबिर के साथ शादी ब्याह करो, ऐश करो, तुम कहाँ दीन इस्लाम में चले आ रहे हो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। दूसरी चीज़, तुमको कुछ पता नहीं है, पता नहीं कौन से मौलाना ने तुम्हारे कान में भर दिया है और तुम यहाँ आके बक रहे हो। हर 2 रकात की अलग अलग नियत करनी है, 20 रकात की एक साथ नहीं। अब ये ले लो, हर 2 रकात की अलग अलग नियत करनी है, मतलब खाना खाने बैठो तो हर लुकमे की नियत अलग अलग करनी। एक लुकमा खाओ फिर कहो मैं नियत करता हूँ गोश्त रोटी का वास्ते चावल के, मुंह मेरा प्लेट की तरफ और मैं खाना खा रहा हूँ। हर चीज़ की, हर लुकमे की नियत करनी। अच्छा एक चीज़, एक कॉमन चीज़ आपने सोचा, सोचा कि नहीं सोचा हमको ये बताओ पहले, सारी नमाज अरबी में, अल्लाह अकबर सूर्य अरबी में, सुभान रब्बिल अज़ीम अरबी में, तरावी भी अरबी में, दुआ भी अरबी में, सिर्फ नियत हिंदी में। अरे नियत हिंदी में कहाँ है भाई, नियत भी अरबी में होना ना चाहिए, नियत हिंदी कहाँ से आई पहले तो हमका ई बताओ। चलो मान लिया कि हिंदी में है भी, तो इसका अरबी तर्जुमा तो बताओ। जैसे कि आप पढ़ते हैं कुल वल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, ये तो हमको पता चल गवा, लेकिन हमको तरावी का मेन जो है वो बताओ, वो क्यों नहीं बता रहे? सारी नमाज अरबी में और ये हिंदी में। नियत तो दिल के इरादे का नाम है, इंटेंशन, लेकिन जुबान से लेना बहुत जरूरी है। जुबान से लेना बहुत जरूरी है, जैसे इसके लिए नाचना बहुत जरूरी है। नियत दिल का इरादा है,
आप वजू करने के लिए जब जाते हैं तो वजू किस लिए कर रहे हैं? आप नमाज पढ़ने के लिए कर रहे हैं ना, आपकी नियत हो गई। आप बीच रास्ते से जा रहे हैं, ठीक, दो मोड़ हैं, एक लेफ्ट एक राइट, रिक्शे पे बैठे हुए हैं या खुद बाइक चला रहे हैं, तो क्या आप ज़बान से कहेंगे मैं नियत करता हूँ सीधे रोड के, हंक बाइक के, पीछे राइट के, मुंह मेरा सामने, मैं लड़ ना जाऊँ, ऐसा बोलेंगे क्या? नियत दिल में, मुझे पता है कहाँ मुड़ना है। नहीं, अगर पता और रिक्शे पे बैठे तो आप बोल दिए बाएं मोड़ लो भैया, दाएं मोड़ लो, हो गया ख़त्म। ऐसे लोगों की चीज़ों में मत आओ। ये आप नाचने गाने वाले आपको दीन सिखाएंगे? देखो मैं इनको बुरा भला नहीं कह रहा, लेकिन ये दीन में अगर गलत चीज़ फैलाएंगे या गलत चीज़ बोलेंगे तो हम लोग भी, हम भी बोलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इनसे ज़्यादा जानकारी, मतलब ये लोग तो नाचने वाले में जानकारी है, हमको दीन में जानकारी जितना है उतना बता सकते हैं। तो आपने फैज़ भाई की भी वीडियो देखी, जो सही बात है, जो सही है, दलील के साथ है, अंधी बैठ गए है फैम बक रहे हैं कुछ भी। तो ये सब चीज़ों पे मत विश्वास करो, ये पूरा काल्पनिक है और ये पूरा सठिया गया है। मालूम है, लगता है इसका अकाउंट बंद हो गया था, ये पूरा मेंटल हो गया है और ये घर पर ही है। तो कृपया ऐसी चीज़ों से बच के रहें और अपना ख्याल रखें। तरावी घर में पढ़ें, बेशक तरावी 8 रकात सुन्नत से साबित है, जैसा कि बताया फैज़।